नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ ऋषिकेश के जानकी सेतु के ऊपर, और आप लोग देख सकते हैं सामने कितनी भीड़ है पैदल यात्री और टू व्हीलर्स की। दोस्तों ये भीड़ है कांवड़ यात्रा की, क्योंकि कांवड़ यात्रा आजकल जोरों शोरों पर चल रही है। 2 तारीख को भोलों का जल है। दोस्तों वैसे तो कांवड़ यात्रा 22 जुलाई 2024 को शुरू हो गई थी, लेकिन पंचक की वजह से इतने कांवड़िए ऋषिकेश हरिद्वार नहीं आ रहे थे। 27 तारीख को पंचक खत्म हो गया और 28 तारीख से भीड़ लगातार चालू हो रही है। आज है 28 तारीख, संडे का आज दिन है, और आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ आज ऋषिकेश में हो रखी है। मैं घाटों की तस्वीर आपको दिखाऊंगा और कितना जल गंगा जी में अभी बढ़ा हुआ है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप लोग दर्शन कर रहे हैं माँ गंगा के, जानकी सेतु का ये दृश्य है, और आप लोग देख सकते हैं माँ गंगा का जलस्तर कितना अधिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। मैं आपको बता दूं, टीरी में भिलंगना नदी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, घनसाली के बूढ़ा केदार में बाल गंगा, धर्म गंगा, उत्तरकाशी के गंगोत्री में भगीरथी, और चमोली में अलकनंदा और पिंडर नदी, सारी नदियाँ इस वक्त उफान पर है, क्योंकि पहाड़ों में 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण गंगा जी का जलस्तर ऋषिकेश हरिद्वार में काफ़ी अधिक हो गया है और आगे और अधिक हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भोलों की यहाँ पर पूरी रौनक है, हरिद्वार में इससे ज़्यादा भीड़ है। हर की पैड़ी आज पूरी तरीके से भरी हुई है, वहाँ जाना काफ़ी मुश्किल है। और आप लोग देख सकते हैं घाटों में कितने सारे कांवड़ियाँ यहाँ पर नहाने का लुत्फ उठा रहे हैं। हालाँकि पुलिस वाले भोलों को नहाने से मना कर रहे हैं, लेकिन किनारे पे भोले थोड़ा बहुत नहा ही रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं गंगा जी का जलस्तर कितना अधिक हो रखा है, और सामने परमार्थ घाट में, वानप्रस्थ घाट में कितने सारे भोले आपको दिखाई दे रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं भोले यहाँ पर नहाने का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, भोलों को यहाँ पर ना तो गहराई और ना ही बहाव का कोई अंदाज़ा है, तो ऐसे में कई भोले बह भी जाते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में कई घटनाएं ऐसी हो रखी है, आप लोग देख सकते हैं बहाव कितना तेज़ है दोस्तों, और यहाँ पर जंजीरों का सहारा लेके और भोले यहाँ पर नहाने का लुत्फ उठा रहे हैं। दोस्तों सुबह तक पानी पूरा ऊपर चढ़ा हुआ था सीढ़ियों में, आप लोग देख सकते हैं रेत कितनी यहाँ पर आ रखी है, क्योंकि गंगोत्री में भागीरथी नदी काफ़ी उफान पर है, वहाँ पर लगातार 2 या 3 दिन से बारिश हो रही है, और गंगोत्री में जितने भी घाट है, नहाने के घाट है, सारे जलमग्न हो रखे हैं, लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है, यात्रा अभी फ़िलहाल बंद है वहाँ पर। आपको बता दें घनसाली के बूढ़ा केदार वाले क्षेत्र में 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बूढ़ा केदार के तौली गांव में परसों बादल फटने से वहां पर स्थित बाल गंगा और धर्म गंगा पूरे उफान पर है, जान माल का काफ़ी नुकसान हो गया है, एक परिवार में 2 लोग भी दबकर मर गए वहां पर। तो दोस्तों आपको बता दें जिसके कारण ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा का जलस्तर इतना बढ़ जाता है। अब बात करें टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, जितनी नदियाँ हैं सारी उफान पर हैं। पिंडर नदी, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, भिलंगना और बाल गंगा, धर्म गंगा, ये सारी नदियाँ उफान पर है, जिसके कारण गंगा जी का जलस्तर इतना तेज हो रखा है और आगे और तेज हो सकता है। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ ऋषिकेश के एक प्रसिद्ध घाट, जहाँ पर श्रद्धालु काफ़ी मात्रा में रहते हैं। उस घाट का नाम है त्रिवेणी घाट, और ये आप लोग देख रहे हैं ऊपर से जानकी सेतु का नज़ारा। दोस्तों ये नज़ारा देख के 2023 पिछले साल और 2013 की याद आ रही है। आप लोग देख रहे हैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट का ये नज़ारा, और यहाँ पर भी भोले काफ़ी मात्रा में गंगा में स्नान करने के लिए आ रखे हैं, और आप लोग देख सकते हैं गंगा का जल कितना मटमैला आ रखा है, और दोस्तों सामने दूर दूर तक गंगा जल ही पूरा फैला हुआ है।
मैं लेके चलता हूँ आपको आरती स्थल पे। ये आप लोग देख रहे हैं आरती स्थल का नज़ारा, और यहाँ पर पूरा आरती स्थल डूबा हुआ है, रेलिंग सारी डूबी हुई है और भोले यहाँ पर रेलिंग में चढ़ चढ़ कर स्नान कर रहे हैं। अगर गढ़वाल श्रीनगर में अलकनंदा नदी के ऊपर बना डैम और टिहरी क्षेत्र में भागीरथी नदी के ऊपर बना डैम, अगर ये दोनों डैम नहीं होते तो ऐसे भारी मंजर में ऋषिकेश में भारी तबाही हो सकती थी। ये दोनों डैम नदी को काफ़ी कंट्रोल करते हैं। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, दोनों नदी प्रचंड रूप में बरसात में देखने को मिलती है, और अगर ये डैम ना होते तो डायरेक्ट पानी ऋषिकेश और हरिद्वार में तबाही मचा देता। तो ये धीरे धीरे टिहरी डैम और श्रीनगर डैम से पानी यहाँ पर छोड़ा जाता है, क्योंकि अगर अत्यधिक पहाड़ों में बारिश हो तो इन डैम के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। आप लोग देख रहे हैं आरती स्थल के ऊपर पूरी रेत इकट्ठा हो रखी है। इसका कारण ये है कि रात में पानी आरती स्थल के 4-5 सीढ़ी ऊपर था जहाँ पर ये लोग खड़े हो रखे हैं। गंगा जी का अत्यधिक जलस्तर बढ़ने से हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज भी बंद कर दिया था, जिसके कारण हरिद्वार में हर की पौड़ी में बिल्कुल जल नहीं था। भोले वहाँ पर परेशान हो रहे थे, बीच में जाकर गंगा जल नहाने के लिए ढूंढ रहे थे। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं चेतावनी निशान लगा हुआ है, गंगा जी का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है और यहाँ पर नहाना सख्त मना है, लेकिन फिर भी भोले आगे जा जाकर यहाँ पर नहाने का लुत्फ उठा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं भोले यहाँ पर चढ़ के नहाने का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। ये देखिए गंगा जी की लहरें आप लोग देख सकते हैं पूरे रौद्र रूप में अपने पूरे उफान पर चल रही है, लेकिन भोले फिर भी यहाँ पर पूरी मस्ती में नहाने का लुत्फ उठा रहे हैं। और लहरों को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये है दोस्तों भोले की भक्ति। बिना कोई डर यहाँ पर भोले के भक्त नहाने का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं, पूरा इंजॉय यहाँ पर ले रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए धार्मिक और पर्यटक स्थल की वीडियो बनाते रहूँगा और आप लोगों के लिए अपडेट लाते रहूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद। जिस तरह